वेल वेल वेल, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की एक लर्निंग वीडियो के अंदर में। सबसे डिफिकल्ट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने उठाया आज मैंने, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। दोस्तों, जितने भी न्यूबीज रहते हैं, जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो अपनी जर्नी की शुरुआत फ्यूचर एंड ऑप्शन से कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी डिसहार्टनिंग एंड वेरी शॉकिंग एज वेल। जितने भी लाखों अकाउंट पिछले लॉकडाउन से लेकर अब तक खुले हैं, जो नए लोग आए हैं, उसमें से 80% लोग इन्वेस्टर नहीं है, 80% लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स हैं। क्यों? शायद उन्होंने बहुत सारी वीडियोज देखी हैं, बहुत सारे लोगों के प्रॉफिट लॉस को शेयर करते हुए देखा होगा, लोगों के प्रॉफिट के वीडियोस को देखा होगा, तो लोग टेम्प्ट हो जाते हैं ना। हालांकि मैं इसकी फेवर में कभी नहीं रहता हूँ कि आप अपना पोर्टफोलियो या अपने इन्वेस्टमेंट्स को लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप 1 करोड़ लगा रहे हैं, 1 करोड़ के ऊपर 20 लाख कमा रहे हैं, तो शायद मुझे लगता नहीं कितने रिटेल के लोग होंगे जो 20 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 5 लाख रुपये भी लेके आते होंगे। शायद 90% लोग ऐसे हैं जो जॉब के साथ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट साइज जो रहता है जो मार्केट में, वो पैसा लेके आते हैं 20,000, 25,000, 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए एट मैक्स। यही वो पैसा है वो जो रिस्क में डालना चाहते हैं या जिसके साथ वो ट्राई करना चाहते हैं कि वेदर दे कैन सक्सीड इन स्टॉक मार्केट्स नॉट। तो उन सभी के लिए जो भी स्टॉक मार्केट में पिछले 2 साल में आए हैं, मैं स्पेशली उन लोगों को टारगेट करके वीडियो बना रहा हूं, या उन लोगों के लिए जो इस स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, क्योंकि पुराने लोग तो इस मार्केट में धुरंधर हो चुके हैं, उनको सब चीजें मालूम है, दे कैन स्किप दिस वीडियो। बट नए लोग जो अभी अभी आए हैं, लॉसेस खा रहे हैं या समझ नहीं आ रहा है कि बाजार क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये वीडियो आप लोगों के लिए एक बेसिक वीडियो होने वाली है, फर्स्ट स्टेप ऑफ द फ्यूचर ऑप्शंस होने वाला है। अगर आप वीडियो को पसंद करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाएंगे, तो इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो सेकंड स्टेप भी आपके सामने जरूर लेके आऊंगा। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। आपका फीडबैक मुझे मोटिवेट करेगा नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए। और इस वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट डिटेलिंग करने की कोशिश करेंगे, प्रिसाइज वीडियो रहेगा। ये वीडियो होने को तो 2 घंटे का भी हो सकता था, बट इस वीडियो को कंपाइल करेंगे 10-12 मिनट के अंदर में जो बेसिक चीजें हैं, ताकि एक बच्चा भी, स्कूल गोइंग किड भी समझ जाए कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या है, हमें इसमें ट्रेड करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, फ्यूचर ऑप्शंस में कौन ट्रेड करता है, क्यों ट्रेड करता है, फ्यूचर्स में कौन ट्रेड करता है, ऑप्शंस में कौन ट्रेड करता है, फ्यूचर में ट्रेड कब करना चाहिए, फ्यूचर्स में ऑप्शंस में ट्रेड कब करना चाहिए, कौन कौन सी तरह की ऑप्शंस होती है, कौन सी ऑप्शन को कब बाय करें, कब सेल करें, सब डिटेलिंग हम इस वीडियो के अंदर में देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। मेरा ब्लैक बोर्ड आपके सामने रेडी है, तो स्टॉक्स पाठशाला की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो बिगिंस नाउ। तो पहले शुरुआत करते हैं हम इक्विटी से। इक्विटी मार्केट बेसिकली क्या है, आप सबको मालूम है, दिस इज अ स्टॉक मार्केट, दिस इज स्टॉक मार्केट। दोस्तों आप बताएं, हम स्टॉक मार्केट को क्या कहते हैं? क्या हम इसको शेयर बाजार या शेयर मार्केट कहते हैं, या हम कहते हैं चलो भैया अपना अकाउंट खोलते हैं फ्यूचर और ऑप्शन मार्केट में? ऐसा कभी सुना है आपने? नहीं, हम आते तो शेयर बाजार में हैं, बट हम चले जाते हैं फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर में। तो सबसे पहली चीज, स्टॉक मार्केट में जब हम आते हैं तो हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए इक्विटी की तरफ, जिसको हम शेयर्स कहते हैं। अब एक बात आती है, सपोज आपके पास एक लिमिटेड फंड है, कोई स्टॉक आपको समझ में आता है, फॉर एग्जाम्पल जिसकी कॉस्ट 500 रुपीज है, वो कोई भी स्टॉक हो सकता है, आपको उसके 100 शेयर्स खरीदने हैं। अब 100 शेयर्स खरीदने हैं, या सपोज कीजिए आपको उसके 1,000 शेयर्स खरीदने, बड़े एग्जांपल से शायद समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आज जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो बन जाती है 5 लाख रुपीज़ की। 5 लाख रुपए कितने रिटेलर्स के पास होते हैं, कितने न्यूबीज के पास होते हैं, आई डाउट। और जब मैंने शुरुआत की थी अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी की, शायद मेरे पास भी 10,000 रुपए थे, 10,000 से इन्वेस्टमेंट बढ़ते बढ़ते कहां तक चली गई थी मुझे खुद नहीं मालूम था। बट हम आते हैं बहुत छोटी सी कैपिटल के साथ में, बट वी एस्पायर टू बी प्रोफेशनल ट्रेडर ना, बट एस्पायरिंग से काम नहीं चलेगा, सीखना पड़ेगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, कोई भी स्टेप स्किप मत करिएगा, नहीं तो मैं गारंटी देता हूं कि अगर आधा ज्ञान हमेशा डेंजरस होता है, और आधा ज्ञान कभी भी आपकी हेल्प नहीं करने वाला है। तो इक्विटी में कोई भी शेयर, फॉर एग्जाम्पल अभी स्टेट बैंक का शेयर चल रहा है 500 रुपए का, तो हम स्टेट बैंक के 1,000 शेयर खरीदना चाहते हैं, जिसके लिए हमें लगेंगे 5 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए के आपने शेयर खरीद दिए, अब ये 500 रुपए से शेयर बढ़ के अगर मान लीजिए 525 हो जाता है, तो हमको 25 रुपए का प्रॉफिट मिलता है पर शेयर के ऊपर में। तो मतलब हमें 25,000 रुपए का मुनाफा देखने को मिलेगा, 25,000 रुपए का मुनाफा, 5 लाख रुपए लाके अच्छी खासी रिटर्न हो जाती है। अगर मान लीजिए 500 से बढ़ के ये शेयर 600 हो जाता है, तो हमें 100 रुपए का प्रति शेयर मुनाफा होने वाला है, और यहाँ पे हम कमाने वाले हैं 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए के निवेश के ऊपर में। ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही अच्छी रिटर्न्स आ रही हैं, आने वाला पैसा बहुत ही अच्छा लगता है। पर जब पैसा अगर जाता है,
तो हमें तकलीफ होती है। चलिए देखते हैं ऐसी कौन से सिचुएशन से जहां पैसा जा सकता है। अब इसको समझने के लिए हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारा 500 रुपए का शेयर घट के 400 रुपए रह जाता है, जो रह सकता है, अभी रशिया यूक्रेन की लड़ाई चली है, कोविड पैंडेमिक था, वहां तो 500 रुपए की चीज 200 रुपए भी रह गई थी, तो 500 की चीज अगर 200 रुपए रह जाएगी तो आपको 300 रुपए का लॉस होने वाला है प्रति शेयर। मतलब आपके हर 1000 शेयर अगर आपने लिए थे तो 300,000 का आपको लॉस होने वाला है। अब यहाँ पे आपको या तो वेट करना पड़ेगा, आपको एक इन्वेस्टर की तरह वेट करना पड़ेगा, और पैसे हैं तो और पैसे पंप करने पड़ेंगे, बट अगर आपके पास पैसे नहीं है, लिमिटेड पैसे हैं, तो यहाँ पे आपका एक मनोबल टूट जाएगा, आपकी हिम्मत टूट जाएगी, भैया 300,000 का घाटा हो गया। ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि फ्यूचर ऑप्शंस के शेयर्स के साथ नहीं होता या बड़े शेयर्स के साथ नहीं होता। हमने देखा पैंडेमिक में सभी शेयर्स 40% तक करेक्ट हो गए थे, बहुत बुरी तरह से गिरे थे। मिड कैप तो 70-80% तक गिर गया था, स्मॉल कैप का पूछे ही मत। अगर आपके पास में मिड कैप, अगर आप हाई रिस्क एपेटाइट वाले लोग हैं, तो हो सकता है आप स्मॉल कैप में आप काम कर रहे हो, आपने मिड कैप के शेयर्स लिए हों। अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो लार्ज कैप की तरफ जाना पसंद करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो शेयर्स हो। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आप पूरा पैसा नहीं लगाना चाहते, आप समझदारी से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये तो बात रही इक्विटी की कि आपको एक शेयर का जो दाम है, अगर 500 रुपीज़ का एक शेयर है, एक शेयर 500 रुपीज़ का है, तो आपको मिनिमम 500 रुपीज़ आपको पे करने ही होंगे। अब इक्विटी मार्केट में आप एक के मल्टीपल में, वन के मल्टीपल में आप शेयर ले सकते हैं, दो शेयर, तीन शेयर, फोर, फाइव, सिक्स एंड सो ऑन टू द इन्फिनिटी। आप 1000 लीजिए, 1,00,000 लीजिए, 10 करोड़ शेयर लीजिए, आपकी मर्जी, इतने शेयर्स अवेलेबल हैं जिस पर्टिकुलर शेयर के, जितने एक्सचेंज अलाउ करती है एक स्क्रिप्ट के अंदर में, एक इंडिविजुअल को आप उन शेयर्स ले सकते हैं। बट अगर मान लीजिए, और यहाँ पे आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा, पर यही अगर आप कुछ पैसा बचाना चाहते हैं कि भाई मेरा कुछ कम पैसा लगे और मैं पूरे पैसे को इस्तेमाल ना करूं, और वही मेरे पास सपोज कीजिए हम मान लेते हैं कि स्टेट बैंक का, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल भी रियल एग्जांपल्स नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए हम ये मान लेते हैं कि स्टेट बैंक का जो फ्यूचर का शेयर है वो 1000 शेयर्स का एक लॉट है। अब इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है, ये समझ लेते हैं। इक्विटी फ्यूचर ऑप्शंस सब रिलेटेड हैं, क्योंकि फ्यूचर्स ऑप्शंस एक डेरिवेटिव है, और ये डेरिवेटिव निकला कहाँ से है, ये निकला है इक्विटी से। मतलब इसका पेरेंट कौन है, बाप कौन है, बाप इक्विटी है, ठीक है, तो इक्विटी से ही सब निकले हैं, माँ बाप इसके इक्विटी हैं, और हम घुसे हैं बच्चों के साथ खेलने के लिए, पहले माँ बाप को समझ लेते हैं, उसके बाद हम बच्चों के साथ खेलेंगे, ठीक है ना। तो इक्विटी को कनेक्ट करेंगे फ्यूचर ऑप्शंस के साथ में। फ्यूचर्स क्या है, फ्यूचर्स में हमें एक्सचेंज ने एक प्रोडक्ट समझ लीजिए, हम बिल्कुल भी टेक्निकल लैंग्वेज नहीं करें, मैंने कहा स्कूल का बच्चा समझ जाए, ऐसी लैंग्वेज यूज करूंगा तो ट्रोलर्स के लिए शायद ये वीडियो बिल्कुल नहीं बनने वाला है। फ्यूचर्स क्या है, फ्यूचर का मतलब है भविष्य। फ्यूचर में क्या रहेगा, एक्सचेंज 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स, 3 महीने के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आपको अलाउ करती है ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ पे फ्यूचर्स में हर महीने की जो लास्ट थर्सडे होता है, लास्ट थर्सडे को इसकी एक एक्सपायरी डेट रखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई डेट 25 जनवरी को एक्सपायरी है, तो 25 जनवरी को ये जनवरी महीने का फ्यूचर्स खत्म हो जाएगा। अब फ्यूचर्स में होगा क्या, इक्विटी में तो आप एक शेयर ले सकते थे, पर फ्यूचर्स में आपको लॉट परचेज या सेल करना होगा। आप लॉट परचेज भी कर सकते हैं और उसको सेल भी कर सकते हैं। इक्विटी के अंदर में अब डिफरेंस क्या है, इसको हम टेबल के हिसाब से समझेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ आने वाले। एक टेबल बना लेते हैं, डिफरेंस टेबल, ताकि बहुत अच्छे से समझ आ जाए। इधर हम रखते हैं इक्विटी और इधर रखते हैं फ्यूचर्स, ठीक है, बाद में ऑप्शंस का टेबल भी बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए कहते हैं तो हम साथ में यहाँ बना लेते हैं, बट ऑप्शंस का टेबल को अभी खाली छोड़ेंगे, क्योंकि ऑप्शंस को पहले समझेंगे उसके बाद काम करने वाले। इक्विटी में यू कैन बाय 1 शेयर मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम 1 लॉट आपको परचेज करना होगा। इक्विटी में यू कैन ओनली बाय फर्स्ट, आप बाय कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, बट सेल में अगर आपके पास माल नहीं है, आपको आप डिलीवरी नहीं दे पा रहे, तो आपको ऑक्शंस झेलनी पड़ेगी। तो इसमें जो एडवाइस है, आप फर्स्ट बाय की ही एडवाइस होती है। बट फॉर एग्जांपल आपको लगता है स्टेट बैंक का शेयर गिरने वाला है, या रिलायंस आपको लग रहा है गिरने वाला है, वीक होने वाला है, तो उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट करना मतलब शॉर्ट सेलिंग, पहले सेल कर सकते हैं, डिलीवरी आपके पास हो या ना हो। तो फ्यूचर्स में आप बाय या सेल दोनों ही चीजें कर सकते हैं। इक्विटी में आपको जो पैसा देना है, पूरा कंप्लीट अमाउंट आपको देना होगा। जी हाँ, अगर आपने 500 शेयर लिए, 500 रुपए के भाव से 1000 शेयर लिए, तो 5,00,000 रुपए आपको इक्विटी में पूरे पे करने होंगे। वहीं फ्यूचर्स में एक्सचेंज कहती है, फॉर एग्जांपल 25% मार्जिन, मान लीजिए उस टाइम पे चल रहा है 25% मार्जिन, या 20% या 10%, तो यू हैव टू पे ओनली द मार्जिन अमाउंट। तो 5,00,000 का, 5,00,000 वर्थ के शेयर्स को आप सिर्फ 1,25,000 रुपए में
आप परचेज कर सकते हैं। आप कहेंगे बड़ा बड़ा मजा है यार, यही तो करना चाहिए, तो 5 लाख रुपए में तो हमारे पास बहुत सारे शेयर्स आ जाएंगे। यही गलती नहीं करनी, बस यही न्यूबीज गलती कर रहे हैं, यही अर्ली इन्वेस्टर्स अर्ली ट्रेडर्स यही गलती कर रहे हैं कि भाई 5 लाख में तो 1500 शेयर आ रहे थे और यहाँ 5 लाख में हमारे पास कम से कम 500 × 4, क्योंकि 1,25,000 रुपये मोटा मोटा 4 टाइम्स शेयर आ जाएंगे, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2000 शेयर के आसपास में। भाई यही गलती नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए लॉस होता है तो लॉस में आपको कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि कैपिटल आपकी सेफ होती है, इक्विटी आपके पास में पूरी पड़ी हुई है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के केस में यहां पे कॉन्सेप्ट आता है M2M का, जो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। ऑप्शंस को अभी हम नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि ऑप्शंस थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। अब समझ लेते हैं कि फ्यूचर ऑप्शंस का जो M2M का कॉन्सेप्ट है, यही लोग बनते और बर्बाद होते हैं। M2M दो तरह के होते हैं, एक तो होगा M2M प्रॉफिट और एक होगा M2M लॉस। प्रॉफिट क्या है? आपने 500 का एक फ्यूचर खरीदा, 500 रुपए के भाव पे एक फ्यूचर खरीदा और वो 20 रुपए ऊपर बढ़ के बंद हुआ, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मान लीजिए 1000 शेयर का लॉट था तो आपको 20,000 रुपए का MTM प्रॉफिट कहलाएगा और ये आपके P&L में सेम डे रिफ्लेक्ट हो जाएगा मार्केट बंद होने के बाद में। आपके जो ब्रोकर है आपके अकाउंट में 20,000 रुपए क्रेडिट कर देगा। वहीं अगर 20 रुपए का घाटा बंद हुआ है तो 20 रुपए का घाटा मतलब -20,000 रुपए आपके P&L से ये MTM लॉस कहलाएगा। मार्क टू मार्केट, एक दिन में जो हमारा क्लोजिंग हुई है परचेज प्राइस के बीच में और क्लोजिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस रहता है, दैट इज मार्क टू मार्केट प्रॉफिट या लॉस मार्क टू मार्केट में। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस और द सेल प्राइस। यहां लिखते हैं, थोड़ा क्लियर रहेगा, परचेज और सेल प्राइस एंड द क्लोजिंग प्राइस। तो इसका जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड एज M2M प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगर मान लीजिए 20 रुपए बढ़ के शेयर बंद हुआ है तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 20 रुपए, 20 रुपए गिर के बंद हुआ है तो 20 रुपए मतलब 20 रुपए इंटू द क्वांटिटी, 1000 शेयर आर द क्वांटिटी, तो 20 × 1000 20 × 1000 इज 20,000 का लॉस आपके अकाउंट से क्रेडिट हो डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट है तो क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट है लॉस है तो डेबिट हो जाएगा। अब ऐसे केसेस में आपने सोचा, आपने गलती क्या करी, आपने ये देखा भाई 5 लाख रुपए में तो भैया कम से कम हम ले सकते हैं 4 लॉट, तो अगर 500 शेयर का एक लॉट था तो आप 4 लॉट ले लेंगे तो आपके पास आगे 2000 शेयर। अब सोच के देखिए, आपने 1000 शेयर खरीदने के लिए 5 लाख रुपए लगने वाले थे, यहां 5 लाख रुपए में आपने 2000 शेयर खरीद दिए। अब जब मान लीजिए 20 रुपए नीचे अगर एक शेयर बंद होता है तो 20 × 2000 कितना हुआ आपको 40,000 रुपए का घाटा आपके अकाउंट से कट हो जाएगा। वहीं अगर ये शेयर मान लीजिए 500 रुपए का शेयर 400 रुपए रह जाता है, आपको 100 रुपीज का लॉस होता है कितने शेयर्स के ऊपर में, 2000 शेयर्स के ऊपर में, तो दिस इज 2 लाख रुपीज का लॉस आपको फ्यूचर्स में लॉस हो गया, 2 लाख रुपीज का लॉस। वहीं आपने अगर 1000 शेयर खरीदे होते तो आपके 1000 × 100 10,000 रुपए का ही लॉस हुआ होता अपनी कैपिटल में, कहां पे, इक्विटी में। अब समझ में आया कि लॉस कहाँ हो रहा है, समझ में आया कहाँ हम फंस रहे हैं, कहाँ हम मर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ही यहाँ आ रही है, हम लालची हो रहे हैं। लालच बुरी बला है, हमने हमेशा समझा है, मैं कहता हूँ अच्छा लालच अच्छी बला है, बुरा लालच बुरी बला है। आप बुरा लालच कर रहे हैं, पैसा कमाना एक अच्छा लालच है बट गलत तरीके से पैसा कमाना बहुत गलत लालच है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, रुक जाइए, अगर आप यही गलती आप भी करें, पूरा का पूरा कैपिटल एक शेयर में डाल रहे हैं, फ्यूचर्स में डाल रहे हैं, आप सोचें ज़्यादा के लालच में, अरे यार 2000 शेयर हो गए हैं, 2000 शेयर में अगर 100 रुपीज़ बढ़ेगा तो 2 लाख का प्रॉफिट आएगा, जी हाँ आएगा, अगर 2 लाख रुपए का घाटा भी तो हो सकता है, तो आपकी जो कैपिटल है 5 लाख से घट के 3 लाख रुपए रह जाती है, 5 लाख में से 2 लाख रुपए घट जाएंगे तो आपकी सिर्फ 3 लाख रुपए की कैपिटल, फिर इसमें कितने शेयर्स आने वाले हैं आप सोच के देखिए। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, और फ्यूचर ऑप्शंस में आपको M2M को डेली सेटल करना होगा, मार्केट बंद होने से पहले पहले आपको सेटल करना होगा, नहीं तो एक्सचेंज आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकती है। आपको फ्यूचर्स हो चाहे इक्विटी हो, आपको एक मिनिमम मार्जिन आपको देना होगा, उसका रूल आपको मालूम होना चाहिए। आपको मिनिमम मार्जिन एक पर्टिकुलर शेयर्स के लिए जो एक्सचेंज निर्धारित करती है, वही पर्टिकुलर मार्जिन एक FNO के लॉट के लिए, फ्यूचर ऑप्शंस के लॉट के लिए आपको एडवांस में आपके पास ब्रोकर के पास पैसा होना चाहिए। एक टाइम था कि आप ब्रोकर को बोलते थे कि भाई मेरा ये पर्टिकुलर शेयर खरीद ले, मैं रात तक पैसा भिजवाता हूँ, चेक भिजवाता हूँ, चेक 3 दिन बाद क्रेडिट होगा। नहीं, अब एक्सचेंज कहती है, क्योंकि पीछे डिफॉल्ट्स बहुत हुए हैं, पेमेंट डिफॉल्ट्स हुए, ब्रोकर भी परेशान थे, तो एक्सचेंज ब्रोकर के लिए भी सुनती है और एक्सचेंज आपके लिए भी सुनती है, आपके लिए भी सोचती है, ब्रोकर के लिए भी सोचती है। तो एक्सचेंज ने कहा कि भैया अब अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं
तो ही आप माल कैरी कर सकते हैं या परचेज करते हैं। परचेज करने तक की लिमिट आपको नहीं दी जाएगी, और अगर ब्रोकर आपको ऐसा अनड्यू एडवांटेज देता है तो वो पेनल्टी ब्रोकर के ऊपर लगाई जा सकती है। तो ये फेयर फेयर गेम है, बिल्कुल विन विन सिचुएशन है। जो अच्छे क्रीम लोग हैं वही इस बाजार में रहेंगे, जो डिफॉल्टर्स थे, जो चीटर्स थे, फ्रॉडर्स थे, वो सब के सब इस बाजार से आउट हो चुके हैं, क्योंकि कोई भी ब्रोकर आपको एडवांस में लिमिट नहीं देगा। मेरा ब्रोकर, मैं चाहे जितना पुराना क्लाइंट हूँ, जितना बड़ा पोर्टफोलियो मेरा वहाँ पे है, अगर आज भी मुझे 10,000 रुपये के भी शेयर अगर लेने होते तो 10,000 रुपये उसके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए, 10,000 का कुछ मार्जिन मेरे उसके अकाउंट में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर 20% मार्जिन है तो कम से कम 2,000 रुपये मेरे पास एडवांस में मेरे अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में होना ही चाहिए, तभी मुझे मेरा ब्रोकर लिमिट देता है, नहीं तो वो मुझे कहता सर प्लीज़ पहले फंड ट्रांसफर कीजिए फिर आप शेयर ले सकते हैं। तो ये अच्छी बात है, हम सबके लिए अच्छी बात है, ब्रोकर भी जिंदा रहेगा, हम भी जिंदा रहने वाले हैं, लॉसेस नहीं होंगे किसी को भी, ना आपको ना हमारे ब्रोकर को। तो अब कहानी आती है कि हम फ्यूचर्स में काम ही क्यों करें। फ्यूचर्स में काम हम जब कर सकते हैं जब हमारे पास में एक अच्छी खासी टेक्निकल एनालिसिस की हमें नॉलेज है गाइस, जिसको हम चार्ट स्टडी कहते हैं। चार्ट स्टडी कहते हैं, आपने देखा होगा एक प्राइस है, एक मूविंग एवरेज होती है, बहुत सारे इंडिकेटर्स में प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है या साइडवेज मार्केट में घूम रहा है। आपको टेक्निकल्स में ट्रेंड की स्टडी करनी होती है, आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स की स्टडी भी करनी होती है, आपको ऑप्शन चेन की स्टडी करनी होती है, आपको डेटा एनालिसिस करना आना चाहिए, जो मेरी मास्टर क्लासेस में सिखाता हूं मैं। तो यहां टेक्निकल सेटअप के अंदर में आप कैंडल स्टिक्स को सीखते हैं। कैंडल स्टिक्स को कैसे सीखना है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है गाइस, आपको देख लीजिएगा, बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स। बहुत ही बढ़िया, 6 तरह की बेरिश और 6 तरह की बुलिश कैंडल स्टिक्स हैं, आप उसको आप देख सकते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको आना चाहिए, प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो क्लासेस करनी होगी, चाहे मेरी कीजिए किसी की भी कीजिए, हमसे करना चाहते हैं तो भी नंबर स्क्रीन के ऊपर आप रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास हमारी बॉम्बे में होने वाली इसी महीने के एंड पे, एक दो दिन में बहुत जल्दी आपको डेट भी अनाउंस कर दूंगा, फाइनल डेट मैं अभी सोच रहा हूं उसको, मैं बहुत जल्दी अनाउंस करने वाला हूं, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस जिन लोगों को आता है, चार्ट स्टडी जिन लोगों को आती है, कैंडल स्टिक्स को थोड़ा बहुत जो लोग रीड कर लेते हैं, जो ट्रेंड को रीड कर लेते हैं, वो फ्यूचर ऑप्शंस में काम कर सकते हैं। दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट पर्सन टू ट्रेड फ्यूचर ऑप्शंस, क्योंकि आपको मालूम है ट्रेंड क्या है। जो आपको ट्रेंड मालूम है, आप थोड़ा बहुत बॉटम फाइंड आउट कर लेते हैं, आपको पता है यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल होने वाला है। एक मान लीजिए स्टॉक गिर रहा था, आप समझते हैं कि यहाँ से स्टॉक वापस जा सकता है, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शंस में पंगा लेना एक कैलकुलेटेड रिस्क है, और कैलकुलेटेड रिस्क आप जब लेते हैं तो आप मार्जिन्स यूज कर सकते हैं, आप लिवरेज को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज फ्यूचर ऑप्शंस इज सुसाइडल। जितना भी कैपिटल है पता नहीं कब खत्म हो जाएगा गाइस, और आप स्टॉक मार्केट को जुआ ही कहते रहेंगे, पर आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपको सही समय पे एंट्री करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई भी ट्रेड लेने से पहले सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे पहली चीज, मैं आपको 3 सेकंड का टाइम देता हूं, आप मुझे बताएं आप क्या करते हैं, सबसे पहला सवाल क्या आपके दिमाग में आता है? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। गाइस थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। मैं बताता हूं, मैं सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है व्हाट टू बाय, क्या खरीदना है। स्टेट बैंक लेना है, इंफोसिस लेना है, रिलायंस लेना है, विप्रो लेना है, आईटीसी लेना है, निफ्टी लेनी है, बैंक निफ्टी लेनी है, क्या लेना है पहले तो ये डिसाइड करें कि क्या लेना है। उसके बाद दूसरा सवाल, वाई टू बाय। अब आप कहेंगे क्यों बाय करना है? अरे भाई क्या आपने उसका टेक्निकल एनालिसिस कर लिया, क्या आपने उसके फंडामेंटल एनालिसिस कर लिए, फंडामेंटल चेक कर लिए कि आप अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करने वाले हैं, अच्छे शेयर में ट्रेडिंग करने वाले हैं। अगर फंडामेंटल्स आपको ये बताएगा शेयर अच्छा है कि नहीं है, शेयर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स डन, उसके बाद क्या आपने टेक्निकल स्टडी किया है, पोस्ट मार्केट एनालिसिस किया है, क्या आपने देखा है कि शेयर में काम करना है? उसके बाद मेरा होता है कि हाँ ठीक है जी, स्टेट बैंक में काम करना है, फंडामेंटल अच्छे हैं जी, मेरे को शायद यूटर्न बनता दिखाई दे रहा है, शायद ये शेयर इससे नीचे नहीं जाएगा या उसके ऊपर नहीं जाएगा, मुझे फ्यूचर शॉर्ट कर रहा है या मुझे फ्यूचर बाय करना है, मेरी डिसीजन हो जाती है। देन यू मेक अ प्लान, फिर प्लान बनाएंगे, मैं कहाँ खरीदने वाला हूँ, प्लान क्या होगा, कहाँ खरीदूंगा, और गिरेगा तो कितना खरीदूंगा, कहाँ तक इसकी एवरेज करूँगा, ये मेरा प्लान होगा। उसके बाद में फाइनली जो मैं करता हूँ वो मैं करता हूँ ट्रेड, एंड व्हाट, ट्रेड योर प्लान, जो मैंने प्लान बनाया था उसको मैं ट्रेड करता हूँ, फिर आई डोंट डिविएट। उसके बाद लॉस और प्रॉफिट हो भैया, फिर मुझे बाजार में बने रहना है, क्योंकि अगर मैं डेली स्ट्रैटेजी चेंज करने वाला हूँ तो नुकसान की गारंटी है ही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी स्ट्रैटेजी जिसकी सक्सेस रेशियो अगर 60% भी है और रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 का आप लेके चल रहे हैं या 1:2 का लेके चल रहे हैं, उसमें भी पैसे बना लेंगे आप, बट आप उस स्ट्रैटेजी पर टिकिए तो सही, रुकिए तो सही, अपने आप को समय दीजिए, स्ट्रैटेजी को समय दीजिए, नहीं तो भाई ये बाजार बड़ा ब्रूटल है, किसी को छोड़ने वाला नहीं है। मेरा प्लान बन गया, उसके बाद मैं ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। अब जब मुझे पता है फ्यूचर्स को कब ट्रेड करना है, समझ लीजिए, वीडियो को बहुत जल्दी एंड करने वाले हैं ऑप्शंस के साथ में, तो प्लीज़ बने रहिएगा। ऑप्शंस में कहाँ कब कैसे काम करना है इसके ऊपर बात करने वाले हैं। जब भी ऑलवेज
दिस इज अ गोल्डन गोल्डन रूल गाइस, ऑलवेज फाइंड द ट्रेंड, दैट्स अ गोल्डन रूल, गोल्डन रूल गाइस, ये दिमाग में छाप लीजिए, दैट इज अ गोल्डन रूल, कुछ नहीं करना, ऑलवेज फाइंड द ट्रेंड. अगर आपको ट्रेंड नहीं पता तो ट्रेंड तीन तरह के होते हैं. पहला होता है अप ट्रेंड, जब एक शेयर ऊपर की तरफ जा रहा होता है, हायर हाई और हायर लो बना रहा होता है. दूसरा होता है हमारा डाउन ट्रेंड, जब एक शेयर लगातार नीचे आता है, लोअर 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 हाई बना रहा होता है. और तीसरा होता है साइड वेज, जब बाजार एक रेंज में फंस जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो भैया ट्रेंड क्या है. अप ट्रेंड का शौक है तो बाय करके चलेंगे, डाउन ट्रेंड का शौक है तो सेल करके चलेंगे. यहां पे हम बाय कर सकते हैं, यहां पे हम सेल कर सकते हैं, यहां पे अवॉइड कर सकते हैं अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं. तो पहले तो रूल बनाइए, कहाँ काम कर रहे हैं, किस शेयर में काम कर रहे हैं. भाई गिरते हुए शेयर को बाय करेंगे, पता नहीं कहाँ बाय करना है. गिरते हुए शेयर को मैं बाय करता हूँ, आई ऑलवेज ट्राई टू कैच द बॉटम, बट पता होना चाहिए ना गिरावट कहाँ खत्म होगी. जहाँ गिरावट खत्म होगी वहाँ पे लेंगे, कोई टेंशन नहीं है. जब भी कोई स्टॉक का यू टर्न आना स्टार्ट हो तो यू टर्न्स के आसपास में आप फ्यूचर को सेल कर सकते हैं. कोई स्टॉक गिर रहा था, स्टॉक यू टर्न लेना स्टार्ट करे, तो यू टर्न के आसपास में स्टॉक को आप फ्यूचर्स को बाय कर सकते हैं. तो यू हैव टू मेक अ स्ट्रेटजी. आप एक स्टॉक को फॉलो करेंगे, उसको डेडिकेटली रिगरसली फॉलो करेंगे, रोज देखेंगे, बार बार देखेंगे भैया कहाँ है, कहाँ इसकी जर्नी खत्म होने वाली है उस पर्टिकुलर ट्रेंड की. तो जब भी ट्रेंड चेंज करे, आप उस ट्रेंड चेंज के टाइम पे अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगा. ट्रेंड को चेंज करने के ऊपर में आप ट्रेड ले सकते हैं. इसको फोटो ले लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए. गिर रहा था स्टॉक, ट्रेंड चेंज हुआ, ये एनालिसिस करना जानिए तो यहां से आप बाय का ट्रेड ले सकते हैं. स्टॉक गिर रहा था, स्टॉक ने ट्रेंड चेंज करना स्टार्ट किया, कंफर्मेशन मिलने के बाद यहां पे आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं. राइट, साइडवेज मार्केट थी, पता होना चाहिए भैया ऊपर का रेंज ब्रेकआउट होगा या नीचे का रेंज ब्रेकआउट होगा. पूरा स्टडी कीजिए, ऊपर का रेंज ब्रेकआउट होगा तो बाय करेंगे, नीचे का रेंज ब्रेकआउट होगा तो सेल करेंगे. तो ये सब चीजें आइडेंटिफाई करने के बाद ही आप फ्यूचर्स में ट्रेड लीजिए. आप लिवरेज ले सकते हैं, बट जब तक ये काम नहीं करेंगे ट्रेड लेना बहुत सुसाइडल रहने वाला गाइस. ठीक है, और हाँ, हर महीने की जो लास्ट थर्सडे है उससे पहले पहले आपको 16 स्क्वायर अप करना ही होगा, ये कंपलसरी है और इसके बिना आप ट्रेड नहीं कर सकते. और बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं कि अपने जो लास्ट एक्सपायरी थी, एक्सपायरी से दो दिन पहले आपको ट्रेड करने भी नहीं देते लिक्विड स्टॉक्स के अंदर में. तो जो रूल्स जो ब्रोकर बनाएगा आप उसको फॉलो करना ही होगा. अगर आप इंडिया के बेस्ट ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलना चाहते हैं, आप ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे इंडिया के बेस्ट ब्रोकर के लिंक आपको दिए हैं. जाके आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के साथ अकाउंट खोल सकते हैं और आप हमारे प्राइवेट टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं. आप हमारे ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर को फ्री पा सकते हैं. अगर आप मास्टर के साथ खोलते हैं तो आपको 2 महीने का ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर मिलता है. बाकी किसी भी ज़ीरोधा आप स्टॉक्स या स्टॉक्स कार्ड या किसी के साथ भी खोलते हैं या पेटीएम के साथ में, जो भी लिंक्स आपको दिए हैं, तो आपको 1 महीने का ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर एब्सोल्युटली फ्री मिलता है. ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर क्या है, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप सर्च कीजिए ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर विपुल कौशिक, आपको वीडियोस मिल जाएंगे. अब समझते हैं ऑप्शंस. ऑप्शंस क्या है भैया, ऑप्शंस होती है चॉइस. मैंने क्या कहा, लैंग्वेज होगी बिल्कुल बच्चे वाली, स्कूल का बच्चा भी समझ जाए. हमारी जिंदगी में, एक ट्रेडर की जिंदगी में दो चॉइस होती है, एक होती है तेजी, एक होती है मंदी. गाइस स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है. तेजी को हम कहते हैं बुल मार्केट और मंदी को हम कहते हैं बियर मार्केट. हम बुल मार्केट में वी आर ऑलवेज बुलिश, बियर मार्केट में वी आर ऑलवेज बेरिश. जब हम बाजार में तेजी करना चाहते हैं तो हम कॉल की तरफ देखते हैं, कॉल यूरोपियन, ई मीन्स यूरोपियन, और पुट देखते हैं मंदी की तरफ में, पुट यूरोपियन, यूरोपियन कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक है, हम ट्रेड करते हैं. बेसिकली ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस इज नथिंग जस्ट अ प्रीमियम. क्या इस तेजी और मंदी की संभावना, आपने क्रिकेट का मैच देखा ही होगा, आपने सुना होगा कि क्रिकेट में बैटिंग होती है, दो टीम खेल रही होती है, दो टीम में किसी भी एक टीम की हार या जीत के ऊपर भी आप पैसे लगाते हैं. मैं ये आपको बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप बैटिंग करिए, बट कम से कम मैं बैटिंग नहीं करता हूँ, बट मुझे मालूम तो है बैटिंग होती क्या, सबको मालूम, सबको इतना नॉलेज आज की डेट में मालूम है. कोई भी मैच हो, चाहे फुटबॉल मैचेस हो, चाहे क्रिकेट मैचेस हो, कोई भी मैचेस हो, आपको मालूम है पूरे वर्ल्ड में बैटिंग होती है. इंग्लैंड में तो शायद ये बैटिंग लीगल भी है, हमारे इंडिया में लीगल नहीं है. आप एक टीम की जीत के हार के ऊपर में आप बैटिंग लगाते हैं कि ये टीम जीत सकती है, उसके ऊपर आपने 1000 रुपये लगाए. दूसरी टीम हार सकती है, उसके ऊपर आपने कुछ पैसे लगाए. तो उसकी तेजी, उसकी जीत या हार, एक ट्रेड के जीतना मतलब उसकी तेजी, एक ट्रेड का हारना मतलब उसकी मंदी. आप ये लैंग्वेज बिल्कुल बच्चे वाली लैंग्वेज, आपको समझ में आ रहा होगा. उस पर्टिकुलर इवेंट के होने या ना होने की संभावना को ऑप्शंस कहते हैं, तेजी या मंदी कहते हैं. फॉर एग्जांपल,
स्टेट बैंक का शेयर, स्टेट बैंक का, इसके ऊपर वापस आएंगे। फॉर एग्जांपल हम स्टेट बैंक से बातें कर रहे हैं, तो अगर स्टेट बैंक का शेयर अभी 500 रुपीस चल रहा है तो इसके 540 होने की क्या संभावना है, या इसके 460 आने की क्या संभावना है। दी संभावना के ऊपर हम खेलते हैं, दिस इज पॉसिबिलिटी। तो दीज आर टू ऑप्शंस, एक है अप ऑप्शंस, एक है डाउन ऑप्शंस, मतलब प्राइस नीचे गिर सकता है या फिर प्राइस ऊपर जा सकता है। ऊपर जाने की संभावना के टाइम पे हम कॉल को परचेज करते हैं, नीचे गिरने की संभावना पे हम पुट को परचेज करते हैं। मतलब पुट रिप्रेजेंट करती है मंदी और कॉल रिप्रेजेंट करती है तेजी। दोस्तों वीडियो में इतना खो गए हो, लाइक प्रेस करना भूल गए हो क्या? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, बहुत डिटेल वीडियो है। इसका सेकंड पार्ट जब आएगा, जब आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक मिलेंगे। इस वीडियो का लाइक का हम टारगेट रख सकते हैं क्या 5000? क्या हमें इस वीडियो को 5000 लाइक्स मिल सकते हैं? लेट्स सी, गॉड इज काइंड, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, 500 रुपीज SBI चल रहा है, हमें लग रहा है, हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, हमने देख लिया भैया 540 जा सकता है, तो क्या मैं पुट खरीदूंगा? प्रॉब्लम ये है, लोग कहते हैं भाई 500 का 520 हो गया। लोगों की प्रॉब्लम क्या है, जब 500 से 520 होता है, लोग कहते हैं नहीं 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 इसके ऊपर नहीं जाएगा, 520 की पुट खरीद के बैठे थे, इसके ऊपर नहीं जाएगा। अरे वो फिर 530 होता है, वो 540 होता है, 560, 580, 600 निकल जाता है धीरे धीरे। लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं, लोगों को लगता है, सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि भैया बाजार नीचे आएगा। मैंने लोगों से पूछा तुझे क्यों लगता है, मुझे बहुत लोग फोन करते हैं, मेरे दोस्त फोन करते हैं, विपुल लग रहा है कि यार ये बाजार टूटने वाला है। मैंने कहा लगता है क्यों, कह रहा है बड़े दिन से चल रहा है। मैंने लगता क्यों है भाई, कहता हूँ लग तो रहा है भाई बहुत दिन से चल रहा है। मैंने नहीं, लगने के पीछे लॉजिक तो होना चाहिए ना, कि भाई कोई न्यूज है, कोई टेक्निकल एनालिसिस है, कोई फंडामेंटल चेंज हो गए मार्केट के, कोई डिसिप्लिन चेंज हो रहा है, कोई रूल नया आ रहा है, कोई लॉ चेंज हो रहा है। कहता नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, पर लग रहा है भैया बहुत, या इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अरे भाई आपके लगने से बाजार नहीं चलता, आपके लगने से बाजार नहीं गिरता। समझ लीजिए, बाजार गिरता है सेलिंग से, बाजार चढ़ता है बाइंग से। बाइंग के पीछे न्यूज होती है, फैक्ट्स होते हैं, सेलिंग के पीछे न्यूज होती है, फैक्ट्स होती हैं। अब 500 से 400 आ जाएगा लग रहा है, तो मैं पुट लेके बैठ जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल 500 से मुझे लगता है यार इतना स्टेट बैंक ना 300 से 500 हो गया, अब 500 से 400 आना चाहिए, क्यों? वो 500 से 800 भी तो हो सकता है। तो ये लगना छोड़ना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा ट्रेंड क्या है। अगर आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर आप ऑप्शंस को परचेज करते हैं, आई कैन बेट यू, आई कैन प्रॉमिस यू, यू विल नेवर मेक लॉसेस। आपके लॉसेस अगर होंगे भी तो आपको पता होगा कि मुझे लॉस क्यों काटना है, क्योंकि लॉस काटना भी एक ट्रेड है, बहुत जरूरी है स्टॉक मार्केट की जिंदगी में, ट्रेडर्स की जिंदगी में लॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वही लोग प्रोफेशनल बनते हैं जो लॉस लेना जानते हैं, वही लोग प्रोफेशनल बनते हैं जो प्रॉफिट करना जानते हैं। अब यहां पे अगर मुझे मालूम ही नहीं है कि भाई क्यों लॉस ले रहा हूं, तो क्या मालूम है फिर अगली बार फिर लॉस होने वाला है, लॉस होगा, कैपिटल वाइप ऑफ हो जाएगी, फिर मैं कहूँगा स्टॉक मार्केट जुआ है, मेरे डैडी ने मना किया था, मेरे अंकल ने मना किया था, मेरे पंडित ने मना किया था, मेरे घर खराब है, सब नॉनसेंस है। आपको पहले आपको टाइम बिताना है, क्या खरीदना है, क्यों खरीदना है पे टाइम लगाइए, पोस्ट मार्केट कीजिए, घंटा आधा घंटा दो दिन देने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आपको ट्रेड मिलेगा। बाजार से ट्रेड कभी नहीं छूटेगा, आपके हाथ से ट्रेड कभी नहीं जाएगा, आप समझ लीजिए। तो दिस इज फ्यूचर ऑप्शन क्लास गाइस, आई होप यू लाइकिंग दिस वीडियो, इफ यू हैव नॉट लाइक्ड इट टिल नाउ प्लीज प्रेस लाइक सो दैट आई कैन गेट टू नो कि आपको ये वीडियो, ये लैंग्वेज पसंद आ रही है। और आई होप ये स्कूल के बच्चे भी इस वीडियो को जब देख रहे हैं ये कहेंगे यस दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, सो दैट आई कैन फील मोटिवेटेड टू मेक सच वीडियोज, राइट। सो यहाँ पे कहने का सीधा सीधा खेल है, जब आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाए देन ट्रेड विद योर ट्रेंड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट मी गिव द गोल्डन स्टेटमेंट, प्लीज रिमेंबर, राइट डाउन इन फ्रंट ऑफ योर ट्रेडिंग डेस्क, ट्रेंड इज योर ओनली फ्रेंड, एंड ऑलवेज ट्रेड विद योर ट्रेंड। ये जिंदगी में छाप लीजिए, दिमाग में लिख लीजिए, आपका भी नुकसान नहीं होगा। ऑप्शंस में जैसे फ्यूचर्स में आपको पूरा लॉट परचेज करना पड़ता है, ऑप्शंस के अंदर भी आपको लॉट ही परचेज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर स्टेट बैंक का 500 शेयर्स का लॉट है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यहां पे जो भी प्रीमियम है, अगर मान लीजिए उसकी कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन 20 रुपीज की परचेज आप कर रहे हैं, तो 20 × 500 मतलब आपके 10,000 रुपए ही निवेश होंगे, जबकि 500 शेयर्स आपके आने वाले हैं स्टेट बैंक के। आप सोच के देखिए, 500 शेयर्स खाली 10,000 रुपए परचेज कर लेंगे, ये बड़ा क्रिटिकल गेम होता है गाइस। जो लोग इस गेम को करना जानते हैं दे मेक मिलियंस, बहुत पैसा बनाते हैं, बट दे ऑलवेज
ट्रेड विद द ट्रेंड, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई बाजार 500 से 520 हो जाएगा तो आपको कौन सी कॉल ऑप्शन खरीदनी चाहिए, कौन सी पुट ऑप्शन खरीदनी चाहिए, ये एक डिटेल एनालिसिस का विषय, ये क्लासेस में सिखाया जाता है। या फिर आप सिंपल अगर आप समझे तो अगर आप हमेशा इन द मनी या एट द मनी के ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। अब इन द मनी क्या होती है, एट द मनी क्या होती है, कौन सा ऑप्शन ले कौन सा ना ले, इन नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में आएगा जब आपके कमेंट्स और मुझे वीडियो पे आपका प्यार दिखाई देगा, उसके बाद ही सेकंड इसका वीडियो आने वाला है, राइट। तो यहाँ पे अगर कॉल ऑप्शन 20 के लिए तो 10,000 रुपए में आपने उसकी तेजी खरीद ली, मतलब आपको लगता है बाजार तेज हो जाएगा, तो 500 शेयर्स इक्विटी में खरीदते तो इक्विटी में आपके ये कितने के आते, 500 शेयर 500 रुपए का भाव चल रहा था मान लीजिए, ये आते 2,50,000 रुपए के, राइट। अब यहां पे 500 शेयर्स कितने आ गए कॉल ऑप्शन में, खाली 10,000 रुपए के। फ्यूचर्स में मान लीजिए आपको खाली 25% मार्जिन देना होता तो इसका 25% पे आपका पैसा आ जाता, ठीक है, शेयर्स आ जाते। अब यहीं पे अगर आपको लगता नहीं स्टेटमेंट गिरने वाला है तो 500 का ही लॉट है, आपको लगता है कि इसमें हमें पुट ऑप्शन खरीदनी चाहिए, तो पुट ऑप्शन मान लीजिए 20 रुपए की है, तो खाली 10,000 रुपए लेके आप रिस्क उठा सकते हैं कि भैया ये शेयर गिरने वाला है, तो ये पॉसिबिलिटी अगर वो शेयर 100 रुपए टूट जाता है तो आपको ये 10,000 रुपए आपके मल्टीपल हो जाएंगे, तो लोग 10,000 लगा के 1,00,000 तक कमा लेते हैं, यस। बट ये वही लोग हैं जो करेक्ट एंट्री और करेक्ट एग्जिट करना जानते हैं और क्या स्टडी करना है, किस में काम करना है, ये बहुत क्लियर करने के बाद ही ट्रेड करते हैं। दूसरी एक चीज रहती है ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए, हेजिंग। हेजिंग का क्या खेल है, हेजिंग का मतलब है गाइस कि आपको डाउट है कि शायद बाजार आपके अगेंस्ट आ सकता है, आपने इक्विटी को परचेज किया, इक्विटी में आप शेयर्स को परचेज कर लेते हैं, इक्विटी में आप बाय कर ले, परचेज का मतलब इक्विटी बाय करते हैं, शेयर्स बाय करते हैं, वहीं पे आप उसके फ्यूचर्स को सेल कर देते हैं, ये एक हेजिंग है। फॉर एग्जांपल इक्विटी में 500 चल रहा था और फ्यूचर्स हमेशा महंगा होता है, मान लो फ्यूचर्स 520 चल रहा है, ऐसा होता नहीं है, सिर्फ हाइपोथेटिकल कंडीशन है, आपको लगता है भाई 520 फ्यूचर चल रहा है तो लोग क्या करते हैं, इक्विटी खरीद लेते हैं, फ्यूचर बेच देते हैं, एक्सपायरी के पास जब वो लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होगी तो इक्विटी और फ्यूचर का प्राइस मैच कर जाता है, ये शायद मेरे पीछे छुप गया होगा, दिख नहीं रहा होगा, तो जब एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी को फ्यूचर का जो प्राइस होता है वो बराबर हो जाता है इक्विटी के प्राइस से, क्यों, क्योंकि लास्ट थर्सडे तक का प्राइस हमने आज ही ट्रेड करना है, हम 1 जनवरी को ट्रेड ले रहे हैं 25 जनवरी का, 25 जनवरी को तो फ्यूचर खत्म हो गया, फ्यूचर वाला दिन इक्विटी होगी, स्पॉट और फ्यूचर का प्राइस एकदम बराबर हो जाएगा, तो उस दिन दोनों भाव मैच कर जाएंगे। तो अगर मान लीजिए इक्विटी 500 भी रहती है और फ्यूचर 520 से करके 500 आता है तो आपको 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता है हेजिंग करके। अब यहाँ पे 520 का माल मान लो 540 हो जाता है तो इक्विटी में आपको 540 40 रुपए का प्रॉफिट होगा, फ्यूचर्स में आपको 20 पॉइंट का लॉस होगा, तो नेट में भी आप 20 रुपए कमा लेंगे। तो ऐसा लोग बहुत करते हैं, या कभी कभी लोगों को लगता है भाई इक्विटी खरीदी है पर मुझे थोड़ा सेफ साइड रहना है, वॉर सिचुएशन है, पता नहीं क्या न्यूज़ क्या आ जाए, तो मैं क्या करता हूँ 500 शेयर्स तो खरीद लिए मैंने 500 रुपए के भाव पे और मुझे लगता है ये शेयर 520 के ऊपर तो जाएगा नहीं, तो 520 की पुट ऑप्शन को मैं परचेज करके रख लेता हूँ, समझ रहे हैं। तो ये एक तरीका होता है, अगर मान लो शेयर 500 से गिरने लग जाए और वो 480 आ जाए, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं ताकि और अच्छे समझ में आए। अब मान लीजिए इक्विटी थी 500 रुपए की, मुझे लगता है भैया शेयर गिर सकता है, तो मैंने साथ में मान लीजिए 520 की पुट ऑप्शन को परचेज कर लिया, है ना, या सपोज 500 की पुट ऑप्शन को परचेज कर लिया, सिंपल रखते हैं, है ना, ये ट्रेड लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं। अब मान लीजिए 500 से शेयर गिरता गिरता 400 रुपए आ जाता है, ठीक है, तो 500 की जो पुट है ये तो बढ़ेगी, ये हमने सपोज सीधे 20 में ली थी, ये मान लीजिए 100 रुपए हो गई, तो यहां पे तो प्रॉफिट होना ही होना है, यहां घाटा आपको होना है। तो होता क्या है कि जो इक्विटी में होने वाला घाटा होता है वो ऑप्शंस आपको कवर कर देती है अगर आपने उसको हेजिंग किया है। गाइस ये कैलकुलेशन थोड़ा आगे पीछे हो सकती है बट समझ लीजिए, अगर आपने हेजिंग किया है तो आपको जो घाटा इक्विटी में होने वाला था वो आपका फ्यूचर और ऑप्शंस आपको कवर करके देगा। तो सबसे पहले एफएनओ को बनाया गया था हेजिंग के पर्पस के लिए, तो आप अगर हेजिंग करना चाहते हैं और आपको हेजिंग करना आता है तो हेजिंग कीजिएगा, ये नहीं है कि इक्विटी उठाई फ्यूचर बेच के बैठ गए, कभी कभी उल्टे भी पड़ जाते हैं इसमें भी, ठीक है, तो ये बहुत ट्रिकी गेम है। तो फ्यूचर ऑप्शंस एक डिटेल्ड एनालिसिस है गाइस, आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि आपको फ्यूचर ऑप्शंस करना है या नहीं करना है, आपको इक्विटी करनी है। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, इसका सेकंड पार्ट अगर आप चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को 5,000 लाइक्स आएंगे तो मुझे बहुत बहुत खुशी होगी, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि जैसी गलतियां मैंने इनिशियली की थी या मेरे दोस्तों ने की है आप करें या आपके दोस्त करें, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। ये इंफॉर्मेशन है, ये लर्निंग है, ये एजुकेशन है, दिस इज रियली रियली गुड डिटेलिंग जो आपको जरूरी है अगर आप एक न्यूबी हैं या अगर आप एक्सपायरिंग फ्यूचर ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में। आई होप ये वीडियो पसंद आया हो, चलिए मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।